हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस, यूट्यूबर, सिंगर, टिकटॉक स्टार जन्नत जुबैर रहमानी के बारे में। टिकटॉक पर जन्नत जुबैर एक बड़ा नाम है। जन्नत की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। शायद ही कोई यूजर होगा जो जन्नत को ना जानता हो या जन्नत की वीडियो ना देखे हों। जन्नत की पहचान टिकटॉक के अलावा टीवी पर भी बहुत है। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर बहुत कम उम्र में टीवी से ही स्टार्ट किया था, इसलिए उनके फैन बुजुर्ग से लेकर बच्चे सब हैं। जन्नत नवाबों की फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये बात उनके चेहरे की चमक खुद ही कह देती है। तो चलिए जान लेते हैं जन्नत की लाइफ की पूरी कहानी। ओ, हम तो बुरे हैं ना, तो फिर बुरे ही रहने दो। जब अच्छे थे तब कौन सा अवार्ड मिल गया था। जन्नत जुबैर का जन्म 29 अगस्त 2001 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पापा जुबैर रहमानी हैं, जो खुद एक एक्टर हैं, और उनकी मां का नाम नाजमीन रहमानी है। पेरेंट्स के अलावा जन्नत का एक छोटा भाई है आयान जुबैर रहमानी, जो खुद एक चाइल्ड एक्टर है। जन्नत के भाई आयान जन्नत से 7 साल छोटे हैं, लेकिन उनकी उम्र से ज़्यादा बड़ी उनकी पहचान है। वो कई टीवी सीरियल्स, एड्स और एक मूवी में भी काम कर चुके हैं और टिकटॉक स्टार हैं वो अलग। जन्नत अपने भाई को अपना सबसे प्यारा टेडी बियर बोलती हैं। जन्नत की सबसे ज़्यादा पहचान टिकटॉक से ही है और जन्नत को टिकटॉक पर एक्टिव रहने के लिए फोर्स करने वाला इंसान और कोई नहीं आयान जुबैर ही है। दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा है और जन्नत के ज़्यादातर वीडियो में आयान ही नज़र आते हैं। आयान और जन्नत में भाई बहन वाली बहुत लड़ाई होती है, लेकिन अब आयान जन्नत के अच्छे दोस्त भी बनते जा रहे हैं और जन्नत उनके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैं। जन्नत का जन्म मुंबई में जरूर हुआ था, लेकिन जन्नत लखनऊ की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, आपकी जन्नत नवाबों के खानदान से हैं। जन्नत के पापा लखनऊ से मुंबई एक्टिंग में अपना करियर बनाने गए थे। उनको मुंबई में काम तो मिल गया, लेकिन कभी कोई बड़ा रोल न मिल सका, इसलिए वो एक्टिंग में ज़्यादा सक्सेस न हो सके। जब जन्नत का जन्म हुआ, तभी उनके फादर ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बच्चों को एक्टर बनाएंगे। जन्नत ने अपनी स्कूलिंग ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कांदवली वेस्ट मुंबई से की थी। जन्नत ने अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी पढ़ाई को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा था। शायद यही वजह थी कि 12th में उनके मार्क्स 80% से ज़्यादा आए। जन्नत जब छोटी थी तब वो चाहती थी कि वो बड़ी होकर एयर होस्टेज बने, लेकिन ये ड्रीम उनका थोड़े टाइम तक ही रहा और जन्नत इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्होंने एयर होस्टेज में ट्राई नहीं किया, क्योंकि जन्नत को फ्लाइट में बहुत डर लगता है। जन्नत जब 4-5 साल की थी, तब से ही उनके फादर ने एक्टिंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। वो उनको अपना काम छोड़कर जगह जगह ऑडिशन दिलाने ले जाते थे। जन्नत को बचपन में कई बार रिजेक्ट किया गया, क्योंकि वो कैमरे के सामने नर्वस हो जाती थी, पर उनके पापा को विश्वास था कि वो पक्का सक्सेस होंगी, इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनका ये विश्वास ही जन्नत की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है। जन्नत खुद भी बोलती हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा और पेरेंट्स की वजह से हूँ। जन्नत अपने पापा को ही अपना इंस्पिरेशन मानती हैं। मेरे बंटा है, मालूम है ना? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। चलिए जन्नत के करियर के बारे में शुरू से बात करते हैं। जन्नत को अपना पहला रोल 2010 में, जब वो 9 ईयर्स की थी, तब मिला। ये सीरियल था दिल मिल गए। शुरुआत में जन्नत से बहुत गलतियां होती थीं, पर क्योंकि वो बच्ची थीं, इसलिए गलतियां सब इग्नोर कर देते थे और उनके साथ जो भी एक्टर काम करते थे वो उनको बहुत सपोर्ट करते थे। 2010 में ही उन्हें एक और सीरियल मिला, वो था काशी अब न रहे तेरा कागज कोरा। इन दो सीरियल में उनके रोल छोटे छोटे थे। साल 2010 के एंड में उन्हें एक सीरियल मिला, माटी की बंडो, जिसमें उन्होंने यंग अवंती का रोल प्ले किया था और इस सीरियल से उन्होंने काफ़ी तारीफ भी बटोरी। इसके बाद 2011 में आया सीरियल फुलवा ने तो जन्नत को टीवी इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान दिला दी। फुलवा में जन्नत ने यंग फुलवा का रोल प्ले किया था और इस सीरियल में जन्नत की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। इस सीरियल के लिए उन्हें इंडियन टेली अवार्ड और बोरो प्लस बेस्ट चाइल्ड अवार्ड भी मिले।
इसके बाद जन्नत को 2014 में महाराणा प्रताप सीरियल में लीड रोल मिला। ये सीरियल भी बहुत सक्सेस हुआ। 2014 में ही उन्होंने सियासत और महाकुंभ में भी काम किया। महाकुंभ में उन्होंने यंग माया का रोल प्ले किया था। 2016 में जन्नत ने मेरी आवाज़ ही पहचान सीरियल में यंग कल्याणी का रोल प्ले किया। इसके बाद 2017 में उन्होंने सनी सीरियल में काम किया, लेकिन 2018 में आया सीरियल तू आशिकी बहुत फेमस हुआ। इस सीरियल में उन्होंने पंक्ति शर्मा का लीड रोल प्ले किया था। इन शोज के अलावा भी उन्होंने कई शो में छोटे छोटे रोल प्ले किए, जैसे गुमराह, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, फियर फाइल्स, एक थी डायन एंड और भी। सीरियल के अलावा जन्नत ने बहुत कम उम्र में मूवी में डेब्यू कर लिया था। उन्होंने 2011 में आगा, उसके बाद लव का दी एंड हिचकी मूवी में काम किया है। जन्नत ने टिकटॉक 2017 में ज्वाइन किया था, पर वो तब कभी कभी टाइम मिलने पर वीडियो बनाती थी। ज़्यादा काम आने पर उन्होंने टिकटॉक छोड़ दिया। फिर 2018 के अक्टूबर मंथ में आयान के कहने पर उसके साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया। आयान के साथ फनी और लिपसिंग वीडियो उनके काफ़ी वायरल होते गए और उनके फॉलोअर इतनी तेज़ी से बढ़े कि कुछ ही महीनों में उन्होंने 10 मिलियन फॉलोअर क्रॉस कर लिए। वो इंडिया की फर्स्ट टिकटॉकर थी जिसने 10 मिलियन फॉलोअर हिट किए थे टिकटॉक पर। अब वो सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी पहचान बन चुकी थी। वो हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थी, चाहे यूट्यूब हो, टीवी हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम। शायद इसलिए उनके फैंस हर फील्ड से हैं। जन्नत बताती हैं कि टिकटॉक पर वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मतलब अच्छे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस समय जन्नत टिकटॉक पर फेमस हो रही थी, उसी समय मिस्टर फैजू भी टॉप टिकटॉकर हो चुके थे। इन दोनों बड़े क्रिएटर्स ने जब एक साथ कोलैब किया तो लोगों ने इनकी जोड़ी बहुत पसंद की। इन दोनों ने कई वीडियो एक साथ बनाए और अभी भी बनाते हैं। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत में ही इनका एक एल्बम सॉन्ग आया था, तेरे बिन कीवे। एक दूसरे के साथ इतना एक्टिव देखकर फैंस को लगने लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जब मिस्टर फैजू से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या जन्नत उनकी गर्लफ्रेंड हैं, तो फैजू ने बोला कि वो सिर्फ मेरी दोस्त हैं और कुछ नहीं। इस बारे में जन्नत से जब पूछा गया तो जन्नत ने बोला, प्लीज़ ये सब बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोस्त हैं। अब जन्नत के टिकटॉक पर 20 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पर वो 12 मिलियन फॉलोवर क्रॉस कर चुकी हैं। वो यूट्यूब पर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। जन्नत के बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो वो अपने पापा को ही बताती हैं, लेकिन उनके अलावा फैजू, अरिफा खान, अनुष्का सेन, सिद्धार्थ निगम, फैजल खान उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। चलिए जन्नत के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जन्नत अगर कभी कोई पेट रखेंगी तो वो पैरट होगा, क्योंकि जन्नत को बर्ड्स बहुत पसंद हैं। जन्नत को इंटरनेट पर अपने ही फैन पेज और वीडियो देखना काफ़ी पसंद है। जन्नत जब भी शॉपिंग करने जाती हैं वो ब्लैक टॉप जरूर खरीदती हैं। जन्नत को बिरयानी, केक्स, पास्ता और डेयरी मिल्क खाना काफ़ी पसंद है। जन्नत बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि उनके पापा की ये ही एडवाइस है। जन्नत की फेवरेट मूवी ओम शांति ओम है, फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और फेवरेट एक्टर सलमान खान हैं। वो चाहती हैं कि वो सलमान के साथ काम करें, लेकिन उनकी एक्ट्रेस बनके नहीं, कोई और रोल में। जन्नत को ब्लैक कलर काफ़ी पसंद है। इसके अलावा बीच पे घूमना, सिंचन देखना भी काफ़ी पसंद है। जन्नत इतनी सक्सेसफुल हैं, इसके बावजूद वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानती हैं। वो बोलती हैं उन्हें रात को उनके पेरेंट्स जल्दी सुला देते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठा दिया करते हैं। जन्नत हेटर्स के बारे में बोलती हैं कि मेरे हेटर्स ना के बराबर हैं, और जो भी मेरे पोस्ट या वीडियो को पसंद नहीं करता है मैं उसे हेटर नहीं मानती, क्योंकि अगर मेरी कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही तो उसे हक है अपनी बात बोलने का। अगर वो मेरी तारीफ कर सकते हैं तो कमी भी निकाल सकते हैं। जन्नत ने एक्टिंग का जलवा बहुत से एल्बम सॉन्ग में भी दिखाया है, जैसे कैसे में, जिंदगी दी पौड़ी, तेरे बिन कीवे, डाउनटाउन वलगेड़ियां, तेरे बिना, नैनो तले, फ्रूटी लग दी है, फेक स्टाइल, इश्क फर्जी। इश्क फर्जी सॉन्ग में न सिर्फ जन्नत ने एक्टिंग की है बल्कि ये सॉन्ग गाया भी है। ये सॉन्ग उनके 18th बर्थडे पर आया था। लोगों ने जन्नत को एज ए सिंगर भी काफ़ी पसंद किया है, इसलिए हो सकता है जन्नत आगे भी कई सॉन्ग गाएं। बात करें जन्नत के अवार्ड्स की तो उन्हें इंडियन टेली अवार्ड, बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर, स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर और बेस्ट सोशल मीडिया अवार्ड जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं।
जन्नत का सपना है कि वो बॉलीवुड की एक सक्सेस एक्ट्रेस बने और उम्मीद है जन्नत जल्द किसी मूवी में बड़े रोल के साथ नजर आएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं वो अपनी लाइफ में जो चाहें वो अचीव करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। क्या मैं आपको थोड़ा सा कलर लगा दूं? लगा ले, अबे लगा ना, अबे लगाती क्यों नहीं है? अरे लगा। मैंने दुनिया की कोई कविता माँ पे नहीं लिखी क्योंकि दुनिया में किसी कलम के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो माँ पे कुछ लिख सके। जिस माँ ने हमें लिखा आए, हम आए, क्या लिखे? अरे क्या बात है, ये भी तो नहीं। क्या नहीं? मेरे को नहीं आता शेरखोर माँ बनाना। मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं कभी भी घर पे ईद के दिन नहीं बनाए शेरखोर। फिर क्या कर रहे थे? सेल्फियां ले रहे थे शायद ईद के दिन। तो माँ कुछ भेज रहे थे वो सेल्फियां। अब शेरखोर माँ तुम्हारे अम्मी